हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। बहुत सारी मोटरसाइकिल्स मार्केट में लॉन्च होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी मोटरसाइकिल्स हैं जिनकी चर्चा बहुत होती है, और ऐसी एक मोटरसाइकिल है जावा पेराक, जिसे हम आज रिव्यू कर रहे हैं। इस रिव्यू का आप लोग को बहुत समय से इंतज़ार था, तो फाइनली हम इसे डिटेल में रिव्यू कर रहे हैं। और इसका परफॉर्मेंस कैसा है, चलने में ये कैसी है, और क्या खास बातें हैं पेराक की, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए गियर फ्लिक को एंड लेट्स गेट रोलिंग। अब पेराक जो है ये एक बॉबर स्टाइल्ड मोटरसाइकिल है, जिसे पहले बॉब जॉब भी कहा जाता था। तो बॉबर स्टाइल मोटरसाइकिल जो होती हैं, बेसिकली ये एक मिनिमलिस्टिक थीम पे बनी हुई होती है, और जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ होती हैं इनमें ये निकाल दी जाती है। बेसिकली ये कस्टम बिल्ट मोटरसाइकिल्स होती हैं, और यही स्टाइलिंग से जावा पेराक बनाई गई है। अब पेराक नाम इस बाइक को इसलिए दिया गया है क्योंकि ऑफकोर्स एक पुरानी क्लासिक बाइक तो थी ही जावा की पेराक नाम से, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब नाजी जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया को ऑक्यूपाई कर दिया था, तो जर्मन रेजिस्टेंस का एक सिंबल बन गया था पेराक, और वही नाम पुरानी मोटरसाइकिल को दिया गया था, और वही नाम कैरी फॉरवर्ड हुआ है इस न्यू जनरेशन मोटरसाइकिल में, जो पेराक की याद दिलाता है। तो अगर स्टाइलिंग की इसकी बात करें, तो जैसे मैंने कहा ये बॉबर स्टाइल मोटरसाइकिल है, मिनिमलिस्टिक इसके जो स्टाइलिंग है वो है, तो आपको कहीं बहुत ज़्यादा ओवरडन नहीं लगेगी, बहुत ही मिनिमलिस्टिक और सिंपलिस्टिक लगेगी। और एक बात आप इसमें नोटिस करेंगे कि इसका जो व्हील बेस है ये काफ़ी लंबा है, ख़ास तौर से आप इसे अगर जावा या 42 से कंपेयर करें तो इसका जो व्हील बेस है ये 1485 mm का है, जो लगभग 116 mm ज़्यादा है रेगुलर जावा से। अब अगर फ्रंट लुक के इसकी बात करें, तो ये जो हेडलैम्प कॉन्सोल है, जो सिग्नेचर जावा की स्टाइलिंग है, वो आपको इसमें मिल जाएगी। हेडलैम्प जो है इसकी ये हेलोजन की है, और एक छोटा सा पायलट लैम्प भी इसमें आता है, LED की हेडलैम्प ये नहीं है। टर्न इंडिकेटर्स भी जो हैं इसके छोटे से स्टाइलिश यूनिट हैं, बल्ब वाले ही हैं, ये भी LED के नहीं हैं। सेंटर में आप देखेंगे एक हॉर्न है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जो डिटेलिंग की गई है इसके ऊपर जावा की ब्रांडिंग के साथ, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ में इसके फोक्स अगर आप देखें तो ये बिल्कुल क्लासिक स्टाइल्ड में ही डिज़ाइंड हैं, उसी तरह से इसका फ्रंट मडगार्ड भी है। और ओवरऑल आप देखेंगे इस गाड़ी में तो डार्क थीम यूज़ की गई है, और ये डार्क थीम की वजह से ये और भी ज़्यादा अपीलिंग और स्टाइलिश लगती है। अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, तो ये सेम यूनिट है जो बाकी जावा बाइक्स में आता है, और ये बहुत ही सिंपलिस्टिक यूनिट है। इसमें बस एक स्पीडोमीटर है, एक फ्यूल गेज है, और ओडोमीटर है। ना इसमें ट्रिप मीटर्स आते हैं, ना टैकोमीटर आता है, और कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती नहीं है, और देखने में भी ये काफ़ी सिंपल और बेसिक सा ही लगता है। हैंडल बार जो है इसका ये काफ़ी वाइड यूनिट है। स्विच गियर्स की अगर बात करें, तो लेफ्ट में आपको हाई बीम और लो बीम का स्विच मिल जाता है, पास का स्विच भी इसमें आता है, टर्न इंडिकेटर्स और हॉर्न एज स्टैंडर्ड। और राइट साइड में आपको इंजन किल का स्विच मिल जाता है, और एक स्टार्टर बटन है। स्विच गियर्स जो हैं इसके ये ओके हैं, दे आर नॉट एक्सीलेंट, लेकिन काफ़ी यूजेबल हैं, बहुत टैकी नहीं लगते हैं। जो ग्रिप्स हैं इसके ये काफ़ी अच्छे हैं, एक बीच में बल्जिंग इफेक्ट आपको इसमें दिखाई देगा, और जावा की ब्रांडिंग भी इस पर आपको दिखाई देगी। इसके जो बार एंड मिरर्स हैं ये भी काफ़ी स्टाइलिश हैं, और इसे एक डिस्टिंक्टिव लुक देते हैं इस बाइक को। जो व्यूइंग है इसकी ऑफकोर्स इससे लिमिटेड होती है, लेकिन फिर भी इट्स नॉट सो बैड। टैंक जो है इसका ये वही यूनिट है जो जावा 42 पे भी आता है, और ये 14 लीटर्स का टैंक है, लेकिन इसके ऊपर आपको पेराक की ब्रांडिंग दिखाई देगी टॉप पे, और साइड में ऑफकोर्स जावा का लोगो दिखाई देगा आपको, जो एम्बॉस्ड वे में है, और ये मुझे काफ़ी पसंद है, काफ़ी स्टाइलिश लगता है। साइड पैनल्स की अगर आप डिज़ाइन की बात करें, तो ये बिल्कुल ड्रूपिंग इफेक्ट इसमें आता है, बहुत बड़े साइज़ के साइड पैनल्स हैं ये, और ये जो 3 stripes है जावा की इस पे दी गई है, बहुत ही स्टाइलिश लगता है। राइट साइड के साइड पैनल में आपको इलेक्ट्रिकल्स मिल जाएंगे इसके, और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्टोरेज भी मिल जाता है टूल किट के लिए। लेकिन सबसे स्टाइलिश चीज़ जो मुझे पेराक में लगती है, वो है इसकी सीट। अभी एक सिंगल सीट मोटरसाइकिल है, ऑफकोर्स क्योंकि एक बॉबर है, कस्टम मोटरसाइकिल है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट 2 seats हियर, सिंगल सीट है, और यही इसकी शान भी है। जिस हिसाब से इसकी सीट डिज़ाइंड है, बहुत अच्छी है, काफ़ी ब्रॉड सीट है, काफ़ी कंफर्टेबल भी है, कुशनिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है, और ये जो कलर यूज़ किया गया है ब्राउन या टैन कलर जो है, ये बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली इन कॉन्ट्रास्ट विद द डार्क कलर ऑफ द मोटरसाइकिल। एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट इसमें यह है कि जो टेल लैम्प है इसकी, ये सीट के अंदर ही इंटीग्रेटेड है, और ये इसके लुक को काफ़ी बढ़ा देती है, और
बाकी मोटरसाइकिल से इसे एक यूनिक आइडेंटिटी भी देती है। उसके पीछे आप देखें तो आपको एक एक्सपोज्ड व्हील या उसका मडगार्ड दिखाई देगा, उसके ऊपर कुछ नहीं है, बस एक लाइसेंस प्लेट है पीछे की तरफ और एक छोटा सा रिफ्लेक्टर है और यहाँ पे एक छोटा सा पायलट लैंप भी है। साइड में इसके टर्न इंडिकेटर्स हैं जो सेम यूनिट है जो फ्रंट में है। उसके अलावा आपको इसमें कोई ज़्यादा एक्सेसरीज़ या कोई फिटमेंट्स नज़र नहीं आएंगी। एक और अलग बात इसमें यह है दोस्तों कि इसका जो रियर शॉक अब्जॉर्बर है वो एक मोनो शॉक है, ये ट्विन शॉकअप का सेटअप नहीं है और वो एक इसकी यूनिक बात है। इसके सीट पे भी आपको एक स्टिच टैग मिल जाएगा जिसके ऊपर पैराक लिखा है, जो ये काफ़ी छोटी सी चीज़ है लेकिन काफ़ी स्टाइलिश है। एक और एलिमेंट जो इसके स्टाइल क्वेश्चन को बढ़ा देता है वो इसके एग्जॉस्ट हैं। इसमें भी ट्विन एग्जॉस्ट आते हैं जावा की तरह ही, लेकिन जो स्टाइलिंग है इसके एग्जॉस्ट की ये बिल्कुल अलग है। एक स्लिम स्ट्रीमलाइन पाइप आपको इसमें दिखाई देगा दोनों तरफ, जो एक चैम्फर्ड वे में कट किए गए हैं और ये इसके स्टाइल क्वेश्चन को भी काफ़ी बढ़ा देता है। इनफैक्ट ओवरऑल जो अपील है इस बाइक का, जो लुक है, ये बाकी मोटरसाइकिल से बहुत ही अलग है और इसीलिए ये पैराक को एक अलग स्टाइल स्टेटमेंट भी देता है। अब जो सीटिंग पोस्चर है पैराक का वो कुछ इस तरह से है, बिल्कुल एक कस्टम मोटरसाइकिल की तरह ही आप इस पर बैठते हैं। सीट हाइट जो है इसकी काफ़ी लो है, सिर्फ 750 mm की है। रेफरेंस के लिए आपको बता दूं कि 765 जो सीट हाइट है ये रेगुलर जावा की है, लेकिन इसकी जो सीट हाइट है ये थोड़ी सी अलग है। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि बॉबर मोटरसाइकिल है लेकिन जो इसके फुट पैग्स हैं ये आगे की तरफ नहीं है, क्रूजर मोटरसाइकिल या चॉपर मोटरसाइकिल की तरह नहीं है, ये सेम पोजीशन में है जिस तरह से रेगुलर जावा की मोटरसाइकिल्स में आते हैं। हैंडल बार काफ़ी वाइड है इसका, तो इस तरह का आपको स्टांस मिलता है। ड्रॉबैक एक ही है कि जो इसके फुट पैग्स हैं ये थोड़े से ऊपर की तरफ प्लेस्ड हैं, तो अगर बहुत टॉल राइडर्स होंगे तो उनको थोड़ी सी इस पर परेशानी होगी, स्पेशली अगर आपको टर्न करना हो तो हैंडल बार आपके पैर में लग सकता है। दैट इज़ द ओनली ड्रॉबैक, अदरवाइज़ आपको इस पर स्टाइल काफ़ी मिलता है। जब आप इसे चलाएं तो हाथ आपको स्ट्रेच करने पड़ते हैं आगे की तरफ और ये भी आपके एक राइडिंग स्टांस को अलग सा फील देता है। अब इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो कुछ इस तरह से है, इग्निशन इसका यहाँ पर है, यहाँ से आप ऑन करते हैं इसे और तो काफ़ी डीप थ्रोटी नोट है इसका। थंप जो है आपको इसमें ज़्यादा नहीं मिलता है लेकिन ऑफकोर्स ये एक काफ़ी डीप नोट है। साउंड इसकी काफ़ी अच्छी है। अब इसमें डीबी किलर्स लगे हुए हैं इसलिए बहुत लाउड साउंड नहीं है। डीबी किलर्स जो हैं इसके ये रिमूव भी कर सकते हैं आप, जो ऑफकोर्स इट इज़ अगेंस्ट द रेगुलेशंस, लेकिन अगर आपको साउंड थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो इसके डीबी किलर्स को रिमूव कर सकते हैं। रिकमेंडेड नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जावा पैराक का जो इंजन है ये 334 cc का है और ये रेगुलर जावा या 42 से ये थोड़ा बड़ा इंजन है। जो रेगुलर जावा में आता है वो 293 cc का इंजन है और उसमें जो बोर आता है बोर इंटू स्ट्रोक वो 76:65 है, लेकिन इसका 81:65 है, तो जो बोरिंग है इसकी ये भी बड़ी है। इसकी वजह से हुआ ये है कि इसका जो पावर आउटपुट है ये बढ़ गया है, 30 bhp का इसमें पावर आता है अगेंस्ट 26.5 ऑफ द अदर टू मोटरसाइकिल्स, और जो टॉर्क है इसका ये 32.7 nm का है और आपको जावा में 27 nm का टॉर्क मिलता है। गियरबॉक्स जो है ये सेम 6-speed का यूनिट है, काफ़ी स्लिक शिफ्टिंग यूनिट है और जो क्लच एक्शन है इसका ये भी काफ़ी लाइट है। तो इनिशियल जो रिस्पॉन्स है इस मोटरसाइकिल का, जो आपको टॉर्क मिलता है ये काफ़ी अच्छा मिलता है, इसीलिए आपको एक्सप्लोरेशन में काफ़ी मज़ा आता है इस मोटरसाइकिल में। वेट जो है इसका ये भी जावा से अराउंड 3 kg ज़्यादा है, 175 kg का इसका वेट है। एंड ऑफकोर्स क्योंकि इसका व्हील बेस ज़्यादा है जो 1485 mm का है, इसलिए इसका वेट भी थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन परफॉर्मेंस से ज़्यादा मैं इंप्रेस हुआ हूँ इसकी हैंडलिंग में। अब क्योंकि इसका व्हील बेस ज़्यादा लंबा है तो इसकी जो स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी है ये काफ़ी अच्छी है, और ना सिर्फ स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी बल्कि कॉर्नरिंग जो स्टेबिलिटी है ये भी इसकी काफ़ी अच्छी है। आपको कोई नर्वसनेस फील नहीं होती है और आप इजीली इसे कॉर्नर पे लीन भी कर सकते हैं। ऑफकोर्स एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह नहीं, लेकिन आपको इसमें जो फन टू राइड एलिमेंट है वो काफ़ी मिलेगा। इसमें एक और डिस्टिंक्टिव डिफरेंस है ओवर द अदर टू जावास कि इसके जो रियर में ब्रेक्स हैं वो भी डिस्क वाले हैं। जो रेगुलर जावा में ब्रेक्स हैं वो ड्रम वाले आते हैं पीछे, लेकिन इसमें फ्रंट में 280 mm का डिस्क है और पीछे 240 mm का डिस्क है, और इस वजह से जो इसकी ओवरऑल ब्रेकिंग है ये भी बहुत ही इंप्रेसिव है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। टायर्स जो हैं इसके फ्रंट में 190 सेक्शन का टायर है जो 18 इंच का व्हील है, और पीछे 140/70 का टायर है जो 17 इंच का है, तो रियर टायर जो है इसका ये काफ़ी मोटा है। इसमें एक जो मुझे नेगेटिव बात लगी और जो बाकी जावा में भी है कि जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसकी जो पोजीशनिंग है ये काफ़ी फ्लैट तरीके से है, तो आपसे ये बिल्कुल परपेंडिकुलर एंगल पे रहती है, इसलिए आप इसे ठीक से व्यू नहीं कर पाते हैं चलते समय। खास तौर से अगर आपको ओडो रीडिंग चेक करनी है तो आप राइड करते समय इसे क्लियरली रीड नहीं कर सकते हैं। इसका जो इंजन है इसके परफॉर्मेंस के बारे में बोलना चाहूँगा और कि ऑफकोर्स ये एक टॉर्की इंजन है,
लेकिन ये काफ़ी स्मूथ है। एक तो ये लिक्विड कूल्ड इंजन है, इस वजह से भी जो इसकी स्मूदनेस है ये बढ़ जाती है, और जो इसका कंप्रेशन है ये थोड़ा सा हायर साइड पे है, इसलिए आपको इसमें ओवरऑल जो परफॉर्मेंस मिलता है ये काफ़ी अच्छा मिलता है। वाइब्रेशंस इस बाइक में कम है, लेकिन अगर आप इसे बहुत हाई रेव करें तब आपको ज़रूर थोड़े से वाइब्रेशंस फील होंगे, लेकिन आप अगर इसे क्रूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल स्पीड पर चला रहे हैं, तो आपको ये काफ़ी कम्फर्टेबल रखेगी। इसे जब आप सिटी में चलाएँ या आप इसे हाईवे पर क्रूज़ करें, तो एक कॉन्स्टेंट स्पीड पर चलाने में ही इसका मज़ा जो है ये बहुत ही अलग है। एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी इसमें कि इसके इंजन के नीचे एक अच्छा सा गार्ड दिया हुआ है, जो प्रोटेक्शन भी काफ़ी अच्छा देता है और देखने में भी ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसके जो व्हील्स हैं ये अलॉयज़ नहीं हैं, ये स्पोक्ड रिम्स हैं, इसलिए जो टायर्स भी आपको इसमें मिलते हैं वो ट्यूबलेस नहीं मिलते हैं, बल्कि ट्यूब वाले टायर्स मिलते हैं, और ये एक ड्रॉबैक है इस मोटरसाइकिल का। माइलेज की बात करें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 28-30 किलोमीटर्स तक का माइलेज आपको रेगुलर सिटी कंडीशंस में मिल जाना चाहिए। वैसे अलग से हम इसका एक माइलेज टेस्ट भी करेंगे। जावा पेराक एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिससे आप अपना खुद का एक स्टाइल स्टेटमेंट बना सकते हैं। एक शोरूम प्राइस इसकी 1,94,000 के आसपास है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये काफ़ी अच्छी है, पावरफुल मोटरसाइकिल है। राइड एंड हैंडलिंग इसकी काफ़ी इंप्रेसिव लगी मुझे, चलाने में काफ़ी फन टू राइड मोटरसाइकिल है। कुछ ड्रॉबैक्स इसमें ज़रूर हैं, फॉर एग्जांपल इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये और डिटेल हो सकता था, व्यूइंग एंगल इसका जो है ये बेटर हो सकता था। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स नहीं मिलेंगे, वो एक ड्रॉबैक इसका ज़रूर है, पर उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई ड्रॉबैक एज सच इस मोटरसाइकिल में है। ये एक स्टाइल भरी मोटरसाइकिल है और आपको चलाने में भी काफ़ी मज़ा आएगा, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जहाँ आप इसे लेके जाएंगे लोग आपको मुड़ के ज़रूर देखेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि जावा पेराक आपको कैसी लगती है, एंड विल दिस बी योर नेक्स्ट मोटरसाइकिल। सब्सक्राइब करना ना भूले गियर फ्लिक को। राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट।